दिल्ली विधानसभा का 2025 में चुनाव होना है, वहीं चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में काम दे रही। हम बात करते हैं दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा की, जहां पर पवन शर्मा ने आज अपने ऑफिस का उद्घाटन किया, जिसमें सांसद कमलजीत सहरावत पहुंची, जहां पर गुलदस्ते व फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे और सभी ने पवन शर्मा को बधाई दी। हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने, वहीं कोई किसी भी पार्टी का हो, सभी किसी न किसी तरह अपना दावा तो ठोक ही रहे और साथ ही साथ होर्डिंग पोस्टर बैनर लगाकर अपने अपने क्षेत्र में प्रचार भी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह वरिष्ठ नेता पवन शर्मा ने भी उत्तम नगर में अपना ऑफिस खोला, जिसका उद्घाटन करने पश्चिमी दिल्ली सांसद कमलजीत सहरावत पहुंची। इस मौके पर सांसद कमलजीत सहरावत का क्या कुछ कहना, सुनिए आप भी। बहन जी, विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और यहाँ हर पार्टी के नेता अपने अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आपकी बार क्या विशेष आपका? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 5-7 क्षेत्र में जो दौरा कर रहे हैं, वो वैसी पार्टी के लोग आ रहे हैं जिनका स्वागत आपने देखा। कैसा बाबू, हम लोग जमीन के आए हैं, 5-7 जनता के साथ हैं। चुनाव आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए अब आने का अवसर होगा, हम हमेशा ही लोगों के साथ। लेकिन कितना आप पार्टी, आपकी तरफ से पार्टी को और विधानसभा की जनता को क्या क्या संदेश है कि क्या विकास का कार्य रहेगा? हुए वादे और क्षेत्र में हुए कामों का रिपोर्ट कार्ड जनता को देखने के लिए प्रार्थना करते हैं। का समय बहुत लंबा होता है, गली नाली सड़क राशन कार्ड पेंशन हवा का प्रदूषण कोई भी फील्ड उठाकर ये देखते हैं कि क्या देश की राजधानी कहने के लायक